नमस्ते दोस्तों, मन्नू रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे से कुछ मीठा, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है गेहूँ का। इसमें हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 नारियल जो मैंने नारियल को ग्राइंड कर लिया थोड़ा सा, और इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो मैं ये थोड़ा सा बड़ा है, 2 चम्मच देसी घी ले रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन 2 चम्मच ही मैं अभी डाल रही हूँ। इसको हम अच्छी यहाँ से मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा आटा गुन चुका है अभी अच्छे से। ये देखिए लड्डू बन रहा है इसका। हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके भूनेंगे, हल्का हल्का डालना, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मेरे आटे को 15-20 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। अब हम रोटी पे लगाने के लिए 3 चम्मच मैंने गेहूं का आटा लिया है, 3 चम्मच घी, इसका एक पेस्ट बनाएंगे। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। इतना ही गाढ़ा रखना है इसको, ज़्यादा पतला नहीं करना। देखिए दोस्तों, ये मैंने रोटियां बना के रख ली हैं। ये हमें बहुत पतली पतली रोटी चाहिए, कम से कम 7 या 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने ये सारी रोटियां बना के रख ली हैं। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने बनाया था पेस्ट, ये हम लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे इसको। ये हम हाथ से पूरी रोटी पर अच्छे से लगाएंगे। कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, अच्छे से लगाना है। ये सारी रोटियों पे एक के ऊपर एक ऐसी रखेंगे। ये मैंने अब इसका रोल बना लिया है, 7 रोटियां रख के। थोड़ा सा हल्का सा लेना था इसको, और अब मैं से बीच में से कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, तेल मेरा हो गया है। अब हम ज़्यादा तेज आंच पे नहीं बनाएंगे इसको। इस तरफ मेरी चाशनी हो रही है। देखिए दोस्तों, ये वाली लेयर आनी चाहिए अंदर। ये बना के रखे हैं मैंने, अब एक एक करके हम इसमें छोड़ेंगे। ज़्यादा तेज आंच पे नहीं बनाएंगे, हल्की आंच पे बनाएंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये आटे के बनाए हैं मैंने चाशनी में डाल के। अब इसका नाम क्या है ये आप बताइए। और ये ऊपर से बिल्कुल खस्ता है, अंदर से जूसी। ये देखिए